Welcome back everybody, hope you guys are all doing absolutely fine. Once again to a new day and a new vlog. तो आज अपन दिल्ली में आए हैं जामा मस्जिद घूमने, और जामा मस्जिद कैसी है पूरी देखने में. तो इससे पहले मैं गया था बेसिकली रेड फोर्ट, बट वो 31 तारीख तक बंद था तो वहाँ पे तो बना नहीं पाया. तो जामा मस्जिद साथ ही में लगता था, तो यहाँ पे आ गया अपन घूमने के लिए. और एंट्री तो अभी मैंने आपको इसे शॉर्ट्स में दिखाई कैसी थी, बट अभी अपन आ गए हैं बिल्कुल एंटर करते ही बीच में. और कितना बड़ा नज़ारा है भाई साहब, मज़ा ही कुछ अलग है यहाँ का. भाई सब कुछ इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, बस क्या कहें. फिलहाल तो ये बड़ा सा पीछे एंट्री गेट टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, और उधर पीछे है अपने मस्जिद, तो वहाँ पे भी अंदर जाके देखेंगे क्या सीन है वहाँ का पूरा. और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और एंजॉयबल रहेगा, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें और मज़े करें. फिलहाल अपन ने एंट्री की थी गेट नंबर 2 से, तो अब मेरे यहीं पे पीछे बैक में था गेट नंबर 3, और बीच में है यहाँ पे तालाब जहाँ पे शायद पैर वगैरह धो के फिर अंदर मॉस्क में एंटर करते हैं, ऐसा ही होता है मेरे हिसाब से कुछ. तो आपको एक बार पॉन्ड का व्यू दिखाता हूँ कैसा है ये पॉन्ड दिखने में पूरा, तो क्लोज जाके और अच्छे से देखते हैं इसको पॉन्ड को. आपको भी फिलहाल बता देता हूँ जामा मस्जिद की बेसिकली स्टोरी क्या है. ये इसे जामा मस्जिद नुमा भी कहा जाता है, और दिल्ली क्या पूरे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मॉस्क है ये बढ़िया. और ये शाहजहाँ ने बनवाई 1650 से लेके 1656 के बीच में ये कंप्लीट करा दी गई थी. तो भाई अभी तक तो हल्का फुल्का इतना ही था. फॉरनर्स वगैरह अंदर की रेलिंग वगैरह वहाँ पे जाके देखते हैं अगर जाने का रास्ता है, और मॉस्क के पास जाके देखते हैं और कैसा है ये पूरा आगे से सामने से दिखने में. तो चलते हैं फिलहाल आगे और देखते हैं और क्लोजली कैसा है ये पूरा दिखने में मॉस्क. ये है फिलहाल मॉस्क में एंटर करने के लिए मेन यहाँ से एंट्री पॉइंट. तो अभी चलते हैं मॉस्क के अंदर और अंदर से देखते हैं कैसा है ये दिखने में. इसमें कितना खूबसूरत झूमर है यहाँ पे, और पूरी दीवारों पे नक्काशी वगैरह हो रखी है. वो उर्दू में कुछ लफ्ज़ वगैरह भी लिखे गए हैं जो मेरे को पता नहीं क्या है. और ये दीवार यहाँ पे पूरी यहाँ पे दीवार में ऐसी नक्काशी हो रखी है. और अंदर से तो काफ़ी ठंडा है ये फर्श, नीचे जो मार्बल है उस पर भी अच्छी तरह से पूरी नक्काशी की गई है. अंदर से तो कुछ ऐसा सा है, काफ़ी ज़्यादा चिल्ड है भाई साहब. गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेस है ये. और अगर हम और क्लोजली जाएं तो यहाँ पे ये मार्बल पे कुछ डिज़ाइंस बना के तो फिर ये ऐसा सारा लगाया गया है. तो बेसिकली जो पीछे वो लाइन के उस पार जो रिबन के उस पार जगह है वहाँ पे नमाज वगैरह अदा कर दी जाती है, तो इसलिए उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें मैं उसके पार गया था तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया. तो और पूरा यहाँ का सीनरी कुछ ऐसी सी है जामा मस्जिद की. तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा हो इस व्लॉग में. तो और ख़ास कुछ यहाँ पर एंटरटेनिंग तो मुझे लग नहीं रहा, बट एक बंदे ने मेरे को बताया था कि यहाँ पर पीछे एक टावर है जहाँ से ये पूरा दिल्ली का व्यू नज़र आता है, तो वहाँ पे भी चल के एक बार देखते हैं. तो
अभी मस्त सा टाइम लैप्स निकाला और उसके बाद अब इंतज़ार कर रहे हैं कब टावर खुलेगा, तो टावर पे चल के ऊपर पूरा देखेंगे दिल्ली का कैसा व्यू आता है पूरा अच्छी तरह से। बाकी उम्मीद है आप पसंद कर रहे होंगे। बाकी तो इतना कुछ, बस यही सब है जो भी है यहाँ पे। जामा मस्जिद, रेड फोर्ट जो मेन था देखने के लिए वो तो बंद पड़ा था, तो उधर से तो प्लान बेकार हो गया वहाँ का। अब देखते हैं इसका ही, जब टावर खुलेगा तब कुछ और ही सीन नज़र आएगा। तब तक के लिए करते हैं वेट। पार्क में और ये मेरा अपना स्कूल का ओल्ड फ्रेंड मिला, रक्षित बख्शी। हेलो हेलो भाइयों। और अभी सीपी घूमने आए हुए थे, सीपी का पार्क वगैरह। इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बी कूल एंड बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ।